ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस, 111 टैरेट चैनल के ऊपर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड गाइस। तो आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि एक क्विक एनर्जी अपडेट देना चाहती हूँ मैं आप लोगों को कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि आज न्यू मून का दिन भी था। सो लेट्स चेक फ्रॉम देयर कार्ड्स कि वो क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं, एंड कोई एनी न्यू अपडेट। ठीक है, तो क्विक एनर्जी अपडेट है यहां पर आप सभी लोगों के लिए। लेट्स चेक। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, बट ये सब लोगों के लिए है, टाइमलेस है, और ये रीडिंग जो है टाइमलेस होने के साथ साथ जेंडरलेस भी है एंड रिलीजनलेस भी है, तो किसी तरीके से जोड़े नहीं इस चीज को। ओके, डोर टू स्पिरिट, केयरिंग कनेक्शन, फोर्थ चक्र, बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन। तो गाइज, आप लोग अपनी ब्राइटनेस थोड़ी सी लेवल अप कर दीजिएगा फोन की। मैंने आज थोड़ी सी यहाँ पे लाइटनिंग कम रख रखी है, आई डोंट नो आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं, बट आज मैंने सोचा थोड़ा सा सूदिंग रखती हूँ, इस वजह से मैंने कम कर रखी है लाइट। बिल्कुल भी तड़क भड़क नहीं है। हाँ, ये जरूर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दे रहा है, बट हाँ, तड़क भड़क नहीं है। ओके, एनीवेज, तो बात कुछ ऐसी है कि आपके पर्सन की एनर्जीज मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास 32, 14, 38 नंबर, हो सकता है स्पेसिफिकली ये लोग आपको ये नंबर आपको दिखते हों, या फिर 8, 9, 10, 11 आपका बर्थडे डेट हो, या 11वां मंथ हो आपका बर्थडे मंथ, 14 भी हो सकता है, 14 एंड 5 भी हो सकता है। ठीक है, लकी नंबर्स हो सकते हैं आपके ये, 8 भी हो सकता है कई लोगों के लिए। ओके, एनीवेज, आपके पर्सन की एनर्जीज चल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में या तो कम्युनिकेशन रुका हुआ सा है, या फिर कम्युनिकेशन अगर हो भी रहा है तो इतना अच्छे से नहीं हो रहा है। आप एक चीज को जान चुके हो कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है विद दिस डोर टू स्पिरिट कार्ड, एंड इस पर्सन को अभी जानना बाकी है, और ये इंसान भी जानने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत जल्दी ये भी इंसान जो है, आपके पर्सन जो है, जानने वाले हैं इस रिश्ते के बारे में। एंड कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जान चुके हैं कि ये रिश्ता क्या है, समथिंग रियली वेरी स्पेशल, कुछ है ऐसा जो कि बहुत ही परे है, मतलब इनकी सोच से भी परे, कुछ डिफरेंट है इनका कनेक्शन आपके साथ, इनको ऐसी फीलिंग आ गई है। अभी जो है ये अपने किसके ऊपर काम कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम कर रहे हैं। हो सकता है ये भी अपने जो है स्पिरिचुअल हों, आपके जो पर्सन है दान पुण्य में और गॉड पे बहुत ज्यादा इनका बिलीव हो। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है विद दिस कार्ड आप जो है अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है यहाँ पे, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि आपको पता लग चुका है आपका सोल पर्पस क्या है, और अगर नहीं पता लगा है तो आपको बहुत जल्दी पता लगने वाला है। एंड आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मैजिशियन कार्ड, आप एक ऐसे इंसान है जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास अलाइनमेंट है, जिसके पास पॉजिटिविटी है, एंड आप जो है ना, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रहा है, और वो जो मैनिफेस्ट होकर के जा रहा है वो आपको पता है कहाँ जा रहा है, वो मैनिफेस्ट होकर के जा रहा है डिवाइन पर, और आप जो कुछ भी एनर्जीज क्रिएट करते हैं अपने पर्सन को लेकर के वो भी उन तक पहुंच रही है। विद दिस केयरिंग कनेक्शन कार्ड उनको समझ में आना शुरू हो चुका है कि ये रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है, इस रिश्ते के अंदर कुछ स्पेशलिटी है, कुछ खास बात है, और अब वो इस चीज के लिए एक स्टेप लेना चाहते हैं। मतलब अब ये आपको बोलना चाहते हैं कि बस बहुत हो गया है, अब ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, और इनको ना बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है आपके बिना। ठीक है, ओके, लेट मी पुल आउट सम कार्ड्स। हमारे पास है 7 ऑफ पेनिकल्स, तो मैं उनकी एनर्जीज और पिक कर रही हूं। हो सकता है इनको अपने कारोबार में किसी तरीके का नुकसान चल रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ब्लाइंड फोल्डेड रही हैं ये पास्ट में, इन्होंने आपके अलावा किसी और को चूज करा है, आपके सामने किसी और को चूज करा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप आ चुके हैं, अब मुझे आपकी एनर्जीज लग रही है ऐसी। एंड एक कार्ड हमारे पास यहाँ पे आया था, हेरोफेंट, सो लेट मी पुल आउट दिस कार्ड, हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक की कार्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास है एस ऑफ कप्स।
आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि आप बहुत जल्दी एक गुड न्यूज हासिल करने वाले हैं फ्रॉम दिस पर्सन. अगर आप लोगों को कोई गुड न्यूज नहीं मिली है, बहुत समय से कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है, रुका हुआ है सब कुछ, तो आपको मिलने वाला है. आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं. एंड या क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी में आप लोग आ चुके हैं. अब आपको ना इतना ज्यादा ट्रिगर फील नहीं होता है, हालांकि आप इस पर्सन को याद करते हैं, लेकिन अब उस नेगेटिव एनर्जी के साथ नहीं. और ये इंसान भी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं चीजें, ठीक है. अब ये चाहते हैं कि आपके पास आए, आपसे कोई बात करें, आपके साथ बैठे उठें, इंजॉय करें आप अपनी लाइफ को आपके साथ, बिकॉज बहुत हो चुका है. इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि बस बहुत हो चुका है, क्योंकि जब से आप दूर गए हो ना इनसे, तब से इनकी लाइफ एकदम लाइक ऐसे हो गई है, जस्ट लाइक एन हेल. ओके, बीमार रहे हैं ये, नेगेटिव रहे हैं ये, परेशान रहे हैं ये. ओके, बिकॉज आप इनके साथ नहीं थे और अभी इनका करियर भी सही नहीं है, ठीक है. तो हमारे पास है यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से मैसेज, व्हेन आई लुक इनटू योर आईज आई डिडंट सी ओनली यू. तो ये जब भी आप आपकी आंखों में देखते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नहीं देखते हैं, ये अपना आज देखते हैं, कल देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, ठीक है, अपना फ्यूचर देखते हैं, बिकॉज आप इनका फ्यूचर हैं. बहुत सारे कार्ड आ गए ना, इतने सारे नहीं लेंगे, दोबारा शफल करती हूँ. तो हमारे पास सेकंड कार्ड आया है कि ये बहुत ज्यादा रूड रही हैं आपसे और सारे ब्लेम्स इन्होंने आपके ऊपर डाल दिए हैं. तो क्या आप इन्हें माफ कर पाओगे? इन्होंने जो कुछ भी गलत आपके साथ किया है, इसके लिए क्या आप इन्हें माफ कर पाओगे? देन हमारे पास कार्ड है कि ये जो है आपकी जो फोटो है अपने पिलो के नीचे रख के सोते हैं, ताकि ये आपकी प्रेजेंस की फीलिंग ले सकें. आप ही इनका लास्ट थॉट है हमेशा इनके दिमाग में, सोने से पहले, उठने के बाद, और आप हमेशा इनकी प्रेयर्स में शामिल होते हो, क्योंकि इनके पास आप ही हो एक विश लिस्ट में. हो सकता है ये इंसान सब कुछ पा चुका है अपनी लाइफ में. ओके, तो ये इंसान आपको कहना चाहता है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं. सो दे वॉन्ट टू कम अगेन इन टू योर लाइफ, बट कैसे करें इनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने गलतियां बहुत करी हैं. हीलिंग एनर्जीज, आपको एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है कि आप अपनी एनर्जीज को हील रखें, पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें. टेक अ स्टेप बैक. अगर आप सोच रहे थे कि आपको कॉल मैसेज करना है पहले, तो मैं मना करूंगी, नो, ये पर्सन को कॉल मैसेज करने दें. खुश रहें, हैप्पी रहें, जॉय में रहें, हैप्पी रहें. ओके, कुछ कार्ड्स मैं यहां से भी देखूंगी आप लोगों के लिए. सो वी हैव दीज कार्ड, लेट्स योर फ्रेंड हेल्प यू. तो आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं अपनी हेल्प करने के लिए, या अपनी कोई अपना कोई मैसेज उन तक पहुंचाने के लिए. यही वो इंसान है जिसके साथ आपकी जिंदगी लिखी हुई है. चिल्ड्रन, तो हो सकता है आपको चाइल्डहुड अपना जो है ट्रॉमा क्लियर अप करना है, या फिर चिल्ड्रन का कोई ना कोई मसला आप दोनों के बीच में. एंड वर्थ वेटिंग फॉर, तो इस इंसान का आप भरोसा, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ वेट कर सकते हैं. ओके, एंड वी हैव सम, ये वाला लेंगे. तो हमारे पास एक खूबसूरत सा चिट भी है, इसको भी पढ़ लेते हैं. तुम्हारी जो आंखें हैं ना, ये कुछ कहती हैं. तुम दिल से ही नहीं, आत्मा से भी खूबसूरत हो. मुझे समझ आ गया है कि हम कौन हैं. प्लीज क्या तुम मुझे अपना पाओगे? क्योंकि लाइफ विदाउट यू इज लाइक हेल. माई गुडनेस, ये चीज मैंने आपको बोली थी कि इनको हेल लगती है आपके बिना जिंदगी. एंड ये विद दिस कार्ड समझ चुके हैं कि आप इनकी जिंदगी में क्या हैं. ओके, सो दिस इज दी क्विक एनर्जी अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. आई होप आप लोगों को इस तरीके का वीडियो पसंद आएगा. अगर आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट डाउन बिलो वट एवर द रिक्वेस्ट यू हैव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द रीडिंग. एंड बी कंफर्टेबल विद योर लाइफ, हैव फेथ, एंड जितना हो सके उतना पॉजिटिवली प्रेयर रखें, अपने अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें. एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस, यू कैन मेल मी ऑन माय मेल आईडी, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मैंने मेंशन कर दी है. एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वो भी मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में. ओके, सो
गो अहेड इंजॉय टूडेज डे, क्योंकि आज के दिन की जो एनर्जी है ना, आपके न्यू मून की जो एनर्जी है अभी रहने वाली है 7-8 दिन, लोग कई लोगों के लिए 15 दिन भी रहेगी जिन लोगों ने अपना इनर वर्क अच्छे से नहीं किया है. सो गो अहेड इंजॉय दी होल डे, इंजॉय दिस फिनोमिना, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, खुद से ढेर सारा प्यार करें. बाय.